कल फिर पानी है, इसको फिर फर्टिलाइजर फ्लड करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बाबर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाबू विलेज वाइब्स। अल्लाह के करम और फजल और शुक्र के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको भी ठीक ठाक हो, खैर खरीद से होंगे, जहाँ पे होंगे खुश होंगे। तो आज का मज़ेदार ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। जो भी मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन लाजमी प्रेस कर लें। मौसम बहुत प्यारा है, आज बारिश का मौसम बना हुआ है और आप देख सकते हैं घने बादल हैं। जैसे कि आपको बताया था कल, तो आज भी स्टार्ट है कपास, लेकिन अल्लाह की रहमत आ जाए तो उससे तो इनकार नहीं, लेकिन नुकसान तो होगा अगर बारिश आएगी तो अल्लाह पाक बेहतर करे। हो सकता है बारिश से पहले पहले चुनाई ख़त्म हो जाए, अगर ना भी हुई तो इंशाल्लाह फिर दो दिन ठहर के, तीन दिन ठहर के फिर चुनाई करवाएँगे, क्योंकि बारिश के बाद चुनाई फ़ौरन नहीं करवा सकते। तो मैं जनाब आया हूँ छत पर, मौसम बहुत प्यारा बना हुआ था तो छत पे आ गए हैं। मैंने कहा चलो सोचा एंजॉय करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो वैसे इस मौसम में चाय का बड़ा दिल कर रहा है तो आए, चाय बन रही है और चाय पीते हैं। तो भी वैसे जनाब ये ईंटें आ गई हैं जफान की, तो अब उस्ताद ट्राली बैक करके वहाँ पे ईंटें उसने नीचे गिरानी हैं, तो देखते हैं बैक ट्राली होती है कि नहीं। उम्मीद तो है ड्राइवर बहुत सख्त किस्म का बंदा है, इंशाल्लाह बैक कर लेगा, क्योंकि जो पहले इसने चढ़ाई करवाई है ट्रैक्टर से वो भी पॉसिबल थी, जो इसने पॉसिबल किया इंशाल्लाह बैक ट्राली हो गया।
माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फूल है, अभी खिल रहा है तो मौसम के हिसाब से बहुत ही प्यारा लग रहा है। व्यूअर्स, मैं आ गया हूँ मुरब्बे, कपास का वज़न करवाया और एक दो चुनाई वाली रहती थी, मैंने सोचा जनाब आपको विज़िट करवा लिया जाए अपने खेतों का। तो माशाल्लाह हवा चल रही है और काफ़ी सुहाना और प्यारा मौसम बना हुआ है, जिसके आप देख सकते हैं बहुत ही लवली और घना। तो व्यूअर्स, ये जनाब आज कपास रह गई थी फिर, क्योंकि आपको बताया कि सुबह रिमझिम स्टार्ट हो गई थी, तो इस वजह से फिर आज कपास की चुनाई रह गई। तो ये इंशाल्लाह आप फिर कल करवाएंगे, अगर मौसम ने साथ दिया तो, नहीं तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जो चाहे तो वैसे ही। तो अल्लाह के पाक के करम से बाकी मौसम अब बहुत प्यारा बन गया, तो इंशाल्लाह यहाँ से ओके फ्री। और जनाब यहाँ से थोड़ा अमरूद मिल गया था हमारे नसीब से, तो वो भी साथ खाते हैं और आपको भी इंजॉय करवाते हैं। आपको विज़िट करवाया और अब जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, पापा जो हैं वो कर रहे हैं वो बाग की छिदराई, जिससे मतलब जो किन्नू और नया शाख बननी होती है वो ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ करता है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे की जाती है, और मैं जा रहा हूँ वहीं पे और आप भी साथ साथ हैं, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो भी मिलती रहेगी और इंटरटेनमेंट वाली वीडियो भी मिलती रहेगी, साथ रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। तो सामने वो खड़े हैं वहाँ पे, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, तो साथ ही। बाकी अमरूद थोड़ा कच्चा है लेकिन अब तोड़ा है तो खाएंगे इंशाल्लाह। तो साथ में आया हुआ और वो पैर पे बैठ के कोई चीज़ यहाँ से उठा ना ले जाए। यहाँ पे यूज़ हो रही है जनाब आरी बेड और साथ में कटर, ये दोनों चीज़ें न्यू ली हैं, पहले वाली ख़राब हो गई थी, तो आपको दिखाते हैं कि कैसे कर रहे हैं। व्यूज़ ये जनाब साल में एक दफ़ा लाजमी करना होता है, इससे फिर ये होता है कि जो नेक्स्ट वाला फल होता है वो ज़्यादा होता है और शाखें ज़्यादा बनती हैं और पौधा जो है ग्रो ज़्यादा करता है। ये आप सोच रहे होंगे किन्नू है, नहीं ये मौसमी है और माशाल्लाह पक चुके हैं, अभी ये खाने के काबिल हैं, लेकिन अब 10-12 दिनों तक ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि सीज़न अभी इनको यही है, जब सीज़न गया तो समझे फल गया। ये कल एक भाई आया था, उन्होंने यहाँ से जो शाखें हैं मतलब खुश्क वाली वो तोड़ी हैं और अब वो और घर लेके जाएगा, वो अभी यहीं रख के गया। मेरी खड़ी है वहाँ पे सामने, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ।
और बाइक उठाते हैं और चलते हैं जहाँ पे कपास की वज़न वगैरह और चुनाई वगैरह हुई है वहाँ पे रखी हुई है, वहाँ पे वज़न करते हैं। मुझे कॉल आई है चाहे मंशे की, तो अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, साथ रहिएगा। सामने बाइक खड़ी है, बाइक आते हैं और चलते हैं। मुरब्बे आ गए हैं तो जहांगीर अभी गोबर इकट्ठा कर रहा था। ये आपके सामने शीदा और मीदा, तो व्यूज मैं आ गया हूँ जहांगीर वाली मक्की में, क्योंकि दो चार दिन बल्कि ज़्यादा कह सकते हैं हफ्ता हो गया था मैं मक्की में नहीं आया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर उस खेत में मतलब चाहे मंशे लोगों की तरफ ही रहता था, कपास की चुनाई हो रही थी तो उधर ही ज़्यादा मसरूफ़ रहा हूँ। तो आज मैं आया हूँ जहांगीर की मक्की में, तो माशाल्लाह काफ़ी ग्रोथ कर गई मक्की। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसके सेंटर में खड़ा हूँ, तो आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल मेरे बराबर आ रही है, तो काफ़ी ग्रोथ कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कल फिर पानी है इसको, फिर फर्टिलाइज़र फ्लड करते हैं, तो प्लान भी आपसे शेयर करेंगे कि क्या फर्टिलाइज़र हमने किया है। माशाल्लाह वेदर काफ़ी प्यारा है, सूरज जनाब सामने देखें आँख मचोली कर रहा है। ये वही वाला बाजरा जो मैंने आपको लोग में आपसे शेयर किया था, जिसको हम पानी लगा रहे थे, शायद आपको याद हो, चामन से लोग यहाँ पे और हम ट्यूबवेल, वो सामने वाली ट्यूबवेल चला के और वहाँ से ये पानी हम लगा रहे थे। तो माशाल्लाह आज आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रोथ कर गया है। बस अल्लाह पाक बरकत डालता है, मेहनत की जाए तो अल्लाह पाक अपनी मेहनत ज़ाया नहीं करता। मैं उसी जगह पहुंच आया हूं जिस जगह वहां बता रहा था और आपको दिखाता हूं। तो माशाल्लाह एक चीज़ मैंने बहुत नोट की है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, यह सीन जो इतना प्यारा मुझे यह सीन लगता है ना, कि जैसे बंदा मैं अक्सर डिजिटल मूवीज़ देखा करता था, पंजाबी मूवीज, इंडियन पंजाबी और या पाकिस्तान पंजाबी, तो वो सीन देखने में मिलते थे, तो मैं सोचता था पता नहीं ये कहाँ पर बनते होंगे। तो ऐसा लगता है कि जैसे रियल में मैं मूवी कोई देख रहा हूँ, इतना प्यारा सीन यहाँ पे आके लगता है ना, दिल को इतना सुकून मिलता है कि हम एक नेचुरल ब्यूटी में रह रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके और गपशप करके लोगों से। तो मैं जहाँ जब आता हूँ आप अपना काम करने, हालांकि मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि जैसे मैं इंजॉय कर रहा हूँ। बस उम्मीद करता हूँ ये मज़ेदार व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आप भी मेरा व्लॉग देख देख के बोर हो रहे होंगे। नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग कल आएगा और आप इससे भी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और इससे भी ज़्यादा इंटरटेन होंगे, तो कल तक वेट कीजिएगा और मेरा व्लॉग स्किप मत कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।